सारे आजाद चौक, आयत को जूते दिलाने, क्योंकि अगर पसंद आएंगे तो ले लेगी। और एक और बात की पता चली मम्मी के इसमें जेब है। हाँ, और आयत के लिए क्या लेना है, इयररिंग्स लेने उसके ड्रेस के ऊपर। हम लोग ने उसके लिए ड्रेस मंगाई थी, आ गई है अभी इयररिंग्स लेने। चलो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं बच्चों के साथ। चलो बोलती रहे कुछ, मैं जो बोलना चाहती हूँ वो बोल दिया तो अभी बच्चा नहीं होगा। हाँ मम्मी है ना, पता है ना बच्चों के बारे में बोलेगी आपके। हाँ एक किसी का कछुए का मुंह आ रहा है, कछुआ नहीं है जितना बास आ रहा है, पानी में बहुत बास हो चुकी है। बहुत बहुत भीड़ थी, दो दिन से लगा हुआ था, हम लोग तो आए नहीं पर अभी खत्म हो गया, अभी हट रहा है बस। हाँ और ये देख यहाँ गरबा हो रहा है, रात में आ सकते हैं वहाँ पर गरबा होगा। नहीं मुझे ऐसा लगा शायद वो किसी और चीज की। अरे देख रही अपने लिए क्या चीज लेना है, रस्सी है, फल है, काफी कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ, अलग अलग चीजें बच्चों के लिए डेकोरेशन के लिए, बहुत अच्छी है। ये रोलर पे डिजाइन बनाने के लिए, यहाँ वो सब चीज मिल जाएगी। चलो ले लिया आज के लिए, ये आवाज कैसी हो रही है। ये ब्यूटी पार्लर जाकर आ गए हैं, देख रहे हैं कौन सी अच्छी चप्पल रहेगी, नई वाली तो ले लेंगे। यहाँ मेडिकल से थोड़ी क्रीम ले लिया, अब यहाँ से झुमके ले रहे हैं, अच्छे अच्छे कोई झुमके हैं देख रहे हैं, आयत को पसंद नहीं आते आसानी से झुमके। पसंद आए क्या, चलो ठीक है, देख रहे हैं कुछ अच्छा चीज पसंद आए तो यहाँ से ले लेंगे। पर्ल दिखा रहे था वो भी नहीं पसंद आया, और ये सब भी अच्छे अच्छे हैं डायमंड्स, बड़े झुमके चाहिए थे ना, देख ले बड़े झुमकों में कोई अच्छा रहेगा तो। आयत को चाहिए पर्ल के स्टैंडर्ड साइज के, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, ये कितने सही लग रहे हैं। हाँ देखिए ये 150 के हैं, बहुत अलग स्टाइल के हैं, है ना, अच्छा लग रहा है। लाइट वेट भी आयत के लिए ठीक रहेंगे, आयत को पसंद आएगा तो एक ले लेंगे। आयत अभी भी देख रही है, इसमें के पिंक वाले का तो अंदर का ज्यादा दिख रहा है ना, हर कलर में, बहुत सारे कलर में। यहाँ अंदर और भी अच्छे अच्छे डिजाइन है, आयत को थोड़े और अच्छे लगे डिजाइन। ये सब हेयर क्लिप्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, अलग अलग डिजाइन के क्लिप्स है, सब अच्छे अच्छे हैं। छोटे छोटे क्लिप्स है, कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं बच्चों के लिए। ये बार्बी है इसके, अलग पोकेमोन है, मिकी माउस है, मिनी माउस है, आइसक्रीम है, अच्छा है। और ये भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, काफी सारे फ्लावर्स है, ये सब लटकने वाले झुमके बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन अच्छे है। चूड़ियां हैं, क्या होता है चूड़ा, आयत को ये पसंद आ गया है। हाँ, और उसने बोला फिक्स रेट है, 150 रुपया ही देना पड़ेगा। चलो ठीक है लेके चलते हैं, चल आयत। आलू के दूसरे बजट काटे नहीं हम लोग, आलू की दूसरी चीजों में ना काफी वाले हार बोलते हो, जड़ा वाले हार है, देखिए अलग अलग जाना पड़ेगा। ये वाला अच्छा है, बड़ा बड़े बड़े हैं। ये भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है, सिल्वर ये भी है, कोई अलग ही है। ये सब सिल्वर में भी अलग अलग नेकलेस है। और ये देखिए ऊपर से आजाद बाजार कैसा लग रहा है, आज माहौल भी अच्छा है और बहुत लोग आए हैं। यहाँ ऊपर वाले ड्रेस में भी चलते हैं कहीं देखते हैं। ये अलग टाइप नेकलेस और झुमके के साथ है काफी सारे, आप लोग देख लीजिए, मुझे क्या सबके नाम पता नहीं है क्या क्या होते हैं, देख लो आप।
चलो चलो अंदर काफी सारी जूतों की दुकानें हैं। आयत और उसकी मम्मी देखिए सामने बैठी है अंदर एकदम। अगर कोई आयत को जूता पसंद आएगा तो ले लेंगे एक। आजाद बाजार में अभी हम लोग देख रहे हैं जूते, ये सामने वाली जूतों की शॉप में गए हैं दोनों भी, देखते हैं अभी कुछ पसंद आता है तो लेकर आएंगे। ये सामने फरसान मिल रहा है और ये दुकानें भी अच्छी दशहरे में अच्छी सजी है सब। तो दोस्तों आपको यहाँ तक का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। यहाँ पे कब देखे लेकिन थोड़ा भाव था जमा नहीं। दोस्तों आजाद बाजार से शॉपिंग करके हम लोग फ्रूट्स खरीदने आ गए हैं। यहाँ फ्रूट्स ले रहे हैं, केले और एप्पल ले ले, और भी कुछ होगा तो ले लेंगे। दोस्तों अभी हम लोग गन्ने का जूस पियेंगे और घर जाएंगे। शॉपिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब घर पे जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या लिया। देखिए दोस्तों ये जो नए जूते लाए हैं आप लोग देख सकते हैं कैसे लगे, आप लोग को बता देना आप लोग। लूफर स्टाइल, लूफर, लूफर्स बोलते हैं इनको, लूफर स्टाइल। और ये देखिए एक पपीया, एप्पल और केले सब लेकर आ गए हम लोग, और थक हार के ये बैठ गई है बेचारी बच्ची को, लेकिन इस बच्ची ने सता के रख दिया एकदम। हाँ, लेने के बाद में भी खुश नहीं है ये लड़की, पागलों की तरह पैसा खर्चा हुआ है। तो गाइस देखिए जो मेरी इयररिंग खरीदे थे कितने अच्छे लग रहे हैं, आप लोग भी बताना कैसे लग रहे हैं। और जो तो मम्मी के साथ मिलजुल के पहनने वाली थी उसका क्या हुआ? कैंसल, इसने माफी मांग ली, बोली मुझे माफ कर दो मैं अब आपके साथ में मिलजुल के नहीं पहनूंगी। मैंने जब इनको पहन के देखा तो बहुत अच्छे लग रहे, फिर मन किया कि मैं ही रख लूं, है ना। चलो ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। मम्मी तो दूसरा खरीद लेंगी। गाइस देखिए हमारा फोटो एल्बम आ चुका है, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ऐसे फाड़ दिया फोटो एल्बम ही नहीं फट जाता था। मैं प्रूफ और डब्बे में फोटो एल्बम मस्त एकदम अच्छे से आया है। बस जो मैंने मंगाया वो आ गया, फोटो फ्रेम, स्वीट मेमोरीज, मैंने जो मंगाया तो वही आया है। हाँ बहुत सारी फोटोज थी हमारे पास और इसमें तो खास फोटो रखेंगे। डबल है ना वो मत डाल, मेन फोटो तो ये डालनी ये वाली डाल ना, इसके अंदर प्यारा लग रहा है ना ज्यादा। तो ये देखो मैं ये चुन रही हूं, ये कुर्ते वालों में से सबसे मेन मैं ये भी तो मेन है, ये भी तो देखना कितनी अच्छी, एक ही करो ये। हाँ तो तेरी और आयत की तो डाल, ये वाली नहीं, ये होगी। काफी सारी फोटो है, जैद की फोटो दिखा जरा, ये देख कायनात और तेरी वाली भी एक डाल ले, छोटे बचपन की फोटो है इनकी, काफी अच्छी अच्छी फोटो है। एक ये भी डाल ले, ये फोटो बहुत है, तूने बहुत सारी फालतू में ही निकलवा लिया है, एक ही जैसा लग रहा है। हाँ ठीक है, एक जैसी उसने दो दो निकाल दी है, बहुत है देख बहुत है। हाँ हाँ बनवाएंगे। ये आयत की फोटो दिखा हुआ थी, ये आयत की देख ऊ कर रही है, वो आयत तेरे को कुछ बता रही थी कि बाहर कुछ भूत प्रेत है, सॉरी है, छिले ले मुंडी की जैसी, ये ले जैद, काफी अच्छी फोटो है। ये देख जैद के बचपन की, जैद के जूते देख, आजकल अभी ये जूता वापिस से बहुत फैशन में है। ये सेट जब भी छोटा बाबू था, और ये बबली भी कितनी छोटी लग रही है। चलो सही है, दूसरी ये जैद के बाबू एज की, सही है, जैद पैदा होके एक महीने का हो गया होगा, और ये रहा जैद, बहुत चिल्लाता था बाबा, बहुत चिल्लाने का जैद, देखना उसकी जीवान देख। हाँ चिल्लाते ही रहता था ना हर वक्त, क्योंकि उसको पता नहीं क्या मजा आने की चिल्लाने में। ये देख ये अच्छी है। हाँ पर हाँ ये हसा क्यों तू, ये फोटो की बात है, ये बर्थडे था जैद का, और दुकान वो फोटो खींचने वाले को लगा कि बर्थडे है आलू का। आलू साथ में गई थी फोटो खिंचाने के लिए, बहन भाई तो जाएंगे ही ना साथ में। ये देख आयत की फोटो है इसमें भी, काफी अच्छी अच्छी फोटो, मुझे तो लग रहा है कि शायद सब फोटोज आ जाए, डाल दे। हाँ इसमें डाल दे। दोस्तों ये कौन है आप पहचान के बताना, ये कौन है, ये हम लोग की पुरानी गादी की दुकान है। इस देखिए जब मम्मी पापा की पहले शादी हुई थी तब मैं नहीं था, मैं इसके एक साल बाद वाली फोटो में हूँ। दोस्तों ये मेरी शादी के टाइम का है, ये देखो ये मैं बीच में, ये दूल्हा मैं हूँ, सबको पता चलेगा तो ये यार। और ये लोग कौन है आप पहचाने, ये कौन है, बिट्टो मासी और मम्मी है। अरे ये मेरी मम्मी है, तन्वी है, इसमें पापा एकदम अच्छे से दिख रहे हैं। हाँ ये कोट पैंट पहन के गया था मैं शादी के लिए। और ये देखिए
ये हम लोग की स्टडी वाली आंटी है जो बॉयस ये नाला सुबारा में रहती है, और ये तो तन्वी है, और ये मेरी मम्मी है, ये देखिए एक और, और ये भी शादी के टाइम की है। डबल ये मेरा दोस्त है, नाला सुपारा में रहता है, इसी की गाड़ी में हम लोग गए थे यहाँ पर, पवई आए थे। और ये तन्वी और उसकी मासी सब लोग। दोस्तों ये मेरी वीडियो गेम की दुकान है, पुरानी एकदम, बहुत पुरानी, जब डब्बा टीवी हुआ थे तो उससे चालू किया था मैंने। और ये हम लोग के गांव में हम लोग साली साबुन गए थे, वहाँ की है, ये देख रेशमा कैसी दिख रही है। और ये सब मेरे मासी की लड़कियाँ हैं, पिंकी है, आयशा है, सब होती है। नहीं नहीं बचपन की है, दिखाना सब दिखाना। ये देखो ये आयशा है, सब ये सब छोटे छोटे मेरे भाई बहन, मेरी बहनें हैं सब। नहीं लेकिन साइड में से नहीं जाएगी ना। ये हमारे गांव की है, पीछे जो ठाकुर लोग रहते थे उनकी फोटो है, गांव के पीछे का घर है। ये साली गांव की फोटो है, घर के बाहर की हम लोग के, साली की डुप्लीकेट्स नहीं है ना इसमें, बहुत से डुप्लीकेट्स। ये खाना बना रही आयशा। ये देखिए मैं हूँ, मोइने, रहीम और ये बड़ी अम्मी है। ये मैं अपने दोस्तों के साथ एसएलवर्ड घूमने गया था तभी की फोटो है। ये भी साली गांव की फोटो है, सब बहन और सब भाई लोग हैं मेरे। ये साली गांव का तालाब है, काफी बड़ा अच्छा था। और ये छतरी है सामने, उस उधर की भी फोटो है हम लोग के पास। ये हाजी अली गए थे हम लोग तब की है। ये तन्वी और ये तरन्नुम आपा है। ये भी साली गांव की फोटो है, और ये पीछे किला है, इसमें भी हम लोग गए थे। ये कयूम भाई और मैं हूँ, ये भी हमारी बहुत पुरानी फोटो है, जब शादी हुई थी उसके बाद पहली बार खिंचाए थे हमने साथ में। ये भी कयूम भाई की बहुत पुरानी फोटो है। और ये मेरी दुकान की फोटो है, सब बच्चे गेम खेल रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को ये फोटो कैसी लगी, आप लोग अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए।